चलिए देखते हैं इनका एक हाईटेक किचन। अभी तक हमने देखा कि रोटी हाथ से बनाई जाती थी, अब देखते हैं रोटी बनाने की मशीन। ये रही रोटी बनाने की मशीन। ये एक्चुअली मैं पहले गुरुद्वारा बंगला साहिब में देख चुका हूँ, वहाँ पर बड़ी मशीन है। उन्होंने बताया था कि ये 1000 रोटी पर घंटे बना देती है। तो ये है यहाँ की। अभी ये फंक्शन में नहीं है क्या? अभी ये चल नहीं रही है। अभी चल नहीं रही है, अभी इसमें 4 सिलेंडर लगते हैं। पीछे इसका कंप्रेसर है, कंप्रेसर से पूरा रोटी को प्रेशर से आगे निकालती है, बाकी पकने के बाद रोटी पक के इधर आती है। 4 सिलेंडर लगते हैं। मतलब इसमें आटा गूंथने से लेकर बेलने तक? आटा गूंथ के तो वो वाली मशीन से लेके आते हैं। गूंथने के बाद में इसे डाला जाता है, डालने के बाद में रोटियां बनाने के लिए बाकी गूंथ के इसमें डालना पड़ता है। आटा गूंथ के इसमें डाला, बाकी लोई पेड़े बनाना हो, बेलना हो, सेकना हो, बनाना, बेलना, पेड़े को छोटा करना, काटना, साइज मेंटेन करना, सारा कुछ ये करती है। बस इसमें आटा गूंथने के बाद में डालना पड़ता है जी। उसके बाद में रोटी अपन को यहाँ ही मिलती है। मतलब रोटी यहाँ पर बिल्कुल प्रिंटर की तरह। भाई साहब ये मशीन को दिखा रहे हैं, ये प्रेशर रहेगा, ये प्रेशर देने के बाद में आगे रोटी को घुमाएगी, ये आटे को घुमाएगी और घूम कर आगे बढ़ेगा प्रेशर से और वहाँ पर वो कट कट कर निकलेगी। दो जगह से निकलता है, दो पेड़े निकलेंगे, बाकी इसमें प्रेशर प्लेट लगी हुई है, ये प्रेशर देगी उसको। वो प्रेशर मशीन, कंप्रेशर मशीन है, हवा का प्रेशर इसमें चाहिए होगा। चलो वो बॉक्स है, इनमें जैसे आटा लग चिपके ना, उसके लिए आटा लगा हुआ, सूखा आटा डालते हैं। हाँ, सूखा आटा के लिए। और यहाँ से ये लोई बनकर यहाँ नीचे गिरे, पेड़ा कटने के बाद में इधर आती है, इधर से इधर गिरने के बाद में नीचे फिर उसको बेला जाता है दोबारा। एक बार इधर से बिल के अंदर से आती है छोटी वाली पेड़ा बन के, कंप्रेशर देता रहता है। हाँ, अब आगे यहाँ से ये बेलने जाने के बाद यहाँ पर इस कन्वेयर बेल्ट पर आएगा, इसके ऊपर पूरी रोटी बिल के तैयार होके आती है। इसमें 3 लेयर लगी हुई है, ये 3 लेयर है सेकने की, और ये 3 इनके बाद में नीचे सिकेगी रोटी। 3-4 लेयर में सिकने के बाद में रोटी नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद में पक के आ गया। और रोटी हमें मिलेगी यहाँ पर, रोटी हमें यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल। जैसे कागज़ प्रिंट होकर नीचे बाहर सामने आता, वैसे रोटी यहाँ सेक कर सामने आ जाएगी। तो ये थी रोटी बनाने वाली मशीन, जो कि हर घंटे 1000 रोटियाँ बना सकती है।